हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो यार, काफी लोगों के डीएम से कि भाई आप कौन सा वैक्स यूज करते हो, कौन सा स्प्रे यूज करते हो। तो यार, मैं बताना चाहता हूँ कि वैक्स वगैरह का जो भी ट्रेंड है सब पुराना हो चुका है, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी कुछ अपने इंस्टाग्राम के दोस्त फ्रेंड्स जो मेरे को डीएम्स करते हैं, पूछते हैं, उनको मैंने सारा बताया था कि भाई मैं मैन रिजर्व के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज करता हूँ, ठीक है। तो यार, मेरा पार्सल ये देखिए, आप देखिए मेरा पार्सल आ चुका है। तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो आओ यार, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। फर्स्ट आपको मैं इसका फेस वॉश दिखाता हूँ, चारकोल फेस वॉश है, ठीक है। और ये है ऑयली स्किन के लिए, काफी अच्छे रिजल्ट है। मैं खुद भी यूज कर चुका हूँ इसको और मेरे को इसलिए इसका ज्यादा पता है। और इसके अंदर एक्ने का भी फेस वॉश मिलेगा और वो ऑल स्किन टाइप है, पोल्यूशन कंट्रोल, अपना ऑयल कंट्रोल, डस्टिंग वगैरह। यार, आप लोग घूमते हो सारा दिन में, मतलब दिन में आपको दो बार करना है, काफी अच्छे रिजल्ट है, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम वैक्स के टॉपिक पे, जो कि सबसे ज्यादा मेरे को डीएम्स आ रहे हैं इस चीज के बारे में कि भाई आप अपने सैलून में कौन सी वैक्स यूज करते हो। और यार, मैं बताना चाहता हूँ, मैं वैक्स नहीं यूज करता, मैं मैन रिजर्व की स्ट्रॉन्ग एंड होल्ड, ये स्ट्रॉन्ग एंड होल्ड है, इसको मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। स्टाइलिंग क्रीम बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये वैक्स से भी ज्यादा अच्छा काम करती है। इसका कलर बहुत अच्छा है, फ्रेगनेंस तो माशाल्लाह हमेशा से इसकी अच्छी रही है, मेरे को काफी अच्छे लगे यार इनके प्रोडक्ट्स। मैंने नेल पॉलिश भी को कम से कम 3 से 4 महीने हो गए इनका प्रोडक्ट्स यूज करते, काफी अच्छा रिजल्ट, काफी अच्छे से यार स्टाइलिंग भी होती है। मतलब आप ड्रायर भी ना करो पर फिर भी आपकी स्टाइलिंग हो जाए, और इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मतलब डेली बेस में आप अपने घर पे भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये आ गया इनका बियर्ड ऑयल, इसके बारे में भी काफी लोग पूछते हैं, भाई एक बढ़िया सा बियर्ड ऑयल सजेस्ट करो, सबसे बढ़िया बियर्ड ऑयल है ये भी। और इसका आएगा साथ में आपको बियर्ड सॉफ्टनर, और साथ में इसका आएगा आपको बियर्ड एंड फेस वॉश। ये 3 चीजें बाय कर लो आप, ठीक है। अब तो वैसे भी दिवाली ऑफर चल रहा है, इन्होंने ऑफर चला रखा है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके विजिट करिए और यार 50% का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। तो यार, सबसे पहले आपको बियर्ड वॉश करना है अपना, ठीक है। उसके बाद आप अपना बियर्ड सॉफ्टनर अप्लाई कर सकते हो, और बियर्ड ऑयल जो है आपको रात के टाइम यूज करना है, और ये चीज बड़ी बेस्ट है यार, ठीक है। इसको हम ऑयल के अंदर डिप करने के बाद इसको ऐसे बाद में हम अपना इजी अच्छे तरीके के साथ इसको सर्विस दे सकते हैं अपनी बियर्ड को। तो आप यार प्लीज इसको ट्राई करना, इसका बियर्ड ऑयल ट्राई करना, मेरे कहने पर एक बार। और ये यार इनका कंडीशनिंग शैम्पू डेली बेस, मतलब डेली में भी आप यूज कर सकते हैं, लाइक जैसे आप और कोई शैम्पू यूज करते हो, आपको ज्यादा से ज्यादा वीक में 2 से 3 बार यूज करना पड़ता है, ठीक है। और ये इनके मैन रिजर्व का कंडीशनिंग शैम्पू है, जो कि आप डेली में भी यूज कर सकते हो, और आपको इसका काफी बेनिफिट है, बालों के अंदर अलग लेवल की शाइनिंग है ना, लाइक आप 8 से 10 दिन रेगुलर यूज कर लोगे और आपको आप अपना हेयर फील करना, तो आपको पता लगेगा कि शैम्पू में क्या क्या डाल रखा है भाई इन्होंने। तो यार जरूर चेक करना है एक बार, ठीक है। ये इनका आ गया सीरम, और इसको हम रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग और डेली में भी यूज कर सकते। तो यार, यही था आज का वीडियो, और इनके और भी प्रोडक्ट्स हैं, मैं पूरे नहीं आपको दिखा पाया। बाकी मैं इनकी वेबसाइट का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप जाके चेक कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। और यार, जो चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज वीडियो आता रहेगा यार, मेरे से जितना हो सके मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। और